सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। DLRO स्टेट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम का बाकायदा तौर पर जायजा लिया गया। सरकारी अराजी पर कब्जा ग्रुपों का तदारुक करने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। नबील जावेद का कहना है कि लैंड एक्विजिशन सिस्टम में करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे इमरान अकबर जी, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की देर सदारत से कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ है। इजलास में DLR, CITB और फेलरा और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में नबील जावेद ने DLR व स्टेट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया और हदायत जारी कर दी है। SNDR नबील जावेद की सरकारी अराजी पर कब्जा ग्रुपों का तदारक करने के अहकाम जारी किए, जबकि SNDR नबील जावेद का कहना है कि लैंड एक्विजिशन सिस्टम में करप्शन और इकरा बरपरवरी के हाथमे को यकीनी बनाएंगे। रिश्वत सतानी और इकरा बरपरवरी हर किस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि SNDR ने लैंड एक्विजिशन के जुमला कवानीन तमाम डिशेज को फौरी फराहम करने का हुक्म दिया। जिन मौजाजात की अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इनकी जल्द रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराएं। SNDR ने फेलरा को डैशबोर्ड जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। सरकारी प्रोजेक्ट्स पर गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सरकारी दफातर में शहरियों के लिए सहूलियत पैदा करें। अराजी से मुतलिक मालूमात तमाम शहरियों का बुनियादी हक है। बहुत शुक्रिया आपका।